अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ दाशिर रहमान। तो जैसा कि हम लोगों ने किताब शुरू की थी आस, तो कल हमने उसका चैप्टर पढ़ा था रोना भी एक आर्ट है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे उसका नेक्स्ट चैप्टर। तो चलें आते हैं हम लोग अपनी किताब की तरफ, सफ़ा नंबर 11, जिसका अनवान है चलो चलो जंगल को चलें। ये गुफ्तगू हो रही है लूमड़ी और गीदड़ के दरमियान, तो जिसमें उन्होंने एक स्टोरी बनाई है, कहानी बनाई है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं उसको। अच्छा मियाँ गीदर, तुम किधर को आ रहे हो? भाई लूमड़ी, मैंने नहीं यहाँ जंगल में रहना। शेर जालिम है, बादशाह के रूप में हम पर जानवरों पर जुल्म करता है। ना यहाँ पर खाने को कुछ खास है। मैं तो इंसान की बस्ती में जा रहा हूँ। क्या ऊँची ऊँची इमारतें हैं वहाँ, ये बड़े बड़े घर, वो तरह तरह के पकवान की आँखें देखती रह जाएं। मैंने तो अब यहाँ नहीं रहना, पक्का फैसला कर लिया है मैंने। अच्छा भाई लूमड़ी, तुम कहाँ से आ रही हो? अच्छा, तो ये लूमड़ी ने सवाल किया गीदर से। तो उसके बाद आगे, हाय कैसी बातें करता है निगोड़े, तोबा कर तू तोबा। मैं वहाँ से आ रही हूँ जहाँ तू जा रहा है, पर पूछ मत क्या गुजरी। मैंने भी सुना था बड़े इंसानों की शान शौकत का इश्ताक इतना बड़ा कि सोचा चलो भाई ज़रा जाकर देखें। इंसान कम वक्त की शानो शौकत जिसकी वजह से हमारे जंगल भी कट रहे हैं, पर जो जाकर देखा क्या बताऊं। तोबा तोबा, जितने बड़े घर उतने छोटे दिल। ये बड़े बड़े घर, वो लंबी लंबी कारें, मालो दौलत की हेरा फेर, पर अंदर से जो इंसान निकलते कम वक्त इतने कमीने, दोहाने भी किसी को ना दें। मियाँ जानवर तो तब शिकार करता है जब भूखा हो, इतना ही खाता है जितनी भूख हो, और बाकी दूसरों के लिए छोड़ देता है। वो लालच नहीं करता और ना ज़खीरा अंदोजी करता है। रब पर पक्का यकीन रखता है कि वो आइंदा के लिए कोई सबब बना देगा, और इंसान बड़ा मजहबी बनता है। इसके तो मनो मन खजाने भरे होंगे, इसका बस चले तो वो दूसरों के मुँह से निवाले तक छीन ले। वहाँ तो मियाँ बरादरियाँ हैं, वो ज़ात पात की लड़ाइयाँ हैं कि देखते देखते बंदे मार दिए जाते हैं। ना बड़े की तमीज़ और ना छोटे का लिहाज, जन्ने वाली माँ को ही घर से निकाल दिया जाता है। शेर क्या जुल्म करेगा, वो तो एक ही वार में जान निकाल कर दुश्मन को ख़त्म कर देता है। हमारे यहाँ तो ऐसी कोई दुश्मनी है ही नहीं, पर मियाँ इंसान तो बड़ा कोई जालिम नहीं जो मौत के भी 100 तरीके ईजाद करता है और ढूंढता है कि दुश्मन के लिए ज़्यादा तकलीफ दे कौन सा वाला होगा। वो तो दुश्मनियाँ नस्ल दर नस्ल चलती हैं मियाँ। वहाँ कत्ल की भी कई इकसाम हैं, कोई गैरत के नाम पर कत्ल कर रहा है, तो कोई मालो दौलत के अपने ही खून को सूली पर लटका रहा है, तो कोई तख्त के लिए लाशों पर लाशें गढ़ रहा है। और क्या बताऊँ, बड़ा अफजल बना फिरता है ये इंसान, मगर कम वक्त आज़ाद भी नहीं है, अपनी मर्जी से हिलजुल भी नहीं सकता। हकामों का माताहत है वो, हर वक्त इनकी बजा बजा कर करता रहता है। कानून की वो बड़ी बड़ी किताबें हैं, पढ़ने बैठो तो रात पड़ जाए पर सफ़े ख़त्म ना हो, मगर असल कानून तो जंगल के कानून से भी गंदा है। अदल इंसाफ तो सिर्फ दिखाने के वास्ते होता है, वैसे तो लाठी का राज चलता है। हम कम अज़ कम आज़ादी से पूरा जंगल तो घूम फिर सकते हैं, पर वो बेवकूफ़ इंसान ये भी नहीं कर सकता। ये इसका मुल्क तो वो उसका मुल्क, यही खेल खेलते रहते हैं। इस खेल में मिलता किसी को कुछ भी नहीं, बंदे मर जाते हैं मगर इस कम वक्त को ज़रा दुख नहीं होता। सारी उम्र दूसरों पर काबिज होने के जतन करता रहता है और आखिर को कम वक्त खाली हाथ मर जाता है, पिछलों को अजाब डालकर। क्या बताऊँ कैसे बचकर आई हूँ। अगर इस इंसान के हत्थे चढ़ती तो हाथ पांव सब तोड़ देता, खाल तक को खेड़ देता, ऐसा जालिम है निगोड़ा। भाई लूमड़ी, क्या तू सच कहती है? हाँ बेवकूफ़, मैं क्यों झूठ बोलूँगी, तू तो बेअकल ही रहेगा हमेशा। नहीं यकीन तो खुद जाकर मुझे देख ले, मुझे क्या। ना भाई तोबा करो, मुझे तो तुम पर यकीन आ गया, यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो चलो जंगल को चले, कहीं इंसान ना आ जाए और हमें पकड़ कर ना ले जाए। हाँ हाँ चलो चलो, अपना जंगल ही अच्छा है मियाँ, सुनाने को तो और भी बड़े किस्से हैं इस इंसान के, पर क्यों अपना जी जलाना। अल्लाह ही इस इंसान को हिदायत दे। वाह, इस्मा साहिबा ने कमाल की कहानी एक लिखी है लूमड़ी की और गीदर की, जिससे हमें एक बड़ा अच्छा सबक मिलता है कि इंसान की करतूतों पे, और बिल्कुल उन्होंने 100% सही बातें लिखी हैं। तो इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं आपसे नए चैप्टर के साथ।
और किताब का नाम था आस, जो लिखी है इसमें तारिक साहिबा ने। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।